सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करेले की सब्जी हम बिल्कुल नए स्टाइल में कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को शुरू करती हूँ। तो पहले मैंने करेला लिया और करेले को अच्छे से मैं छील दूँगी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसे कट कर दूँगी। इसे कट करने के बाद मैं इसे कुकर में उबलने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने 250 ग्राम प्याज लिया, इसे मैंने कट कर दिया है। उसके बाद मैं कच्चा आम लूँगी, दो इसे भी मैंने कट कर दिया है। जो मेरा करेला था वो उबल के तैयार हो गया है। उसके बाद मैं इसे खाली कर देती हूँ और इसका पानी मैं निचोड़ दूँगी। जो हमारी सब्जी रहेगी उससे इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी आती है, तो हमें सब्जी जूस वाली नहीं बनानी है। तो इस वजह से मैं इसका जो पानी है उसको निचोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा करेला निचोड़ के मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने बारीक कटे प्याज और करेला एक साथ रख दिया। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, करेले को हमें इसी तरह रखना है और मतलब थोड़ा पानी उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी सब्जी रहेगी वो अच्छी नहीं बनेगी इस वजह से। सो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई रख दी है। उसके बाद मैं फिर ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल को मैं हीट होने दूँगी। फिर उसके बाद जब मेरा ऑयल हीट हो जाएगा, मैंने एक बार चेक कर लिया। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मेथी, इस सब्जी का बारीक कटे हरी मिर्च, इसे ही मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन तक भून दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में प्याज को ऐड कर देना है। प्याज मुझे गोल्डन ब्राउन तक भूनना है। फ्रेंड्स, मैंने एक गांठ छीले हुए लहसुन ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी उबले हुए करेले। कटा हुआ कच्चा आम, हल्दी थोड़ी सी, 2 टेबलस्पून भुना हुआ मसाला, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार और हींग। सो फ्रेंड्स, अब मैंने इसमें सब चीज़ में मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं इसे 5 मिनट्स तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। और जो हमारी सब्जी है, बस हमें 5 ही मिनट्स पकानी है, उससे ज़्यादा नहीं पकानी, क्योंकि जो हमारा सारी वेजिटेबल्स है मैंने पहले ही उसको फ्राई कर दिया था, और जो हमारा करेला है उसे मैंने बॉयल कर दिया, तो सब्जी होने में हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
सो फ्रेंड्स, मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई और ये खाने में काफ़ी टेस्टी थी। और जो बच्चे हैं वो भी बहुत मन से खाते हैं, जैसे करेले की अगर हम भुजिया बनाते हैं तो वो इतना मन से नहीं खा पाते, इसमें थोड़ा सा टेस्ट भी थोड़ा स्पाइसी हो जाता है और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये कड़वा तो बिल्कुल नहीं लगता। और एक बात, अगर आप ये सब्ज़ी 3 से 4 दिन स्टोर करना चाहते हो फ्रीज में, तो आप ये इसे फ्रीज में रख सकते हो, क्योंकि जो सब्ज़ी हमारी खटाई वगैरह डली इस वजह से ये ख़राब नहीं होती और ये खाने में बहुत ही टेस्टी थी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।